हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का सीताराम रसोई में स्वागत है। गर्मी के दिनों में मीठा खाना किसे पसंद नहीं है, सबको ना, आपको भी होगा। तो आज बनाएंगे लौंग लत्ती का, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी, बाजार के जैसा। तो चलिए बनाते हैं। आज की रेसिपी है दोस्तों लौंग लत्ता का। तो सबसे पहले मैं यहाँ चाशनी बना लूँगी। तो एक कटोरी यहाँ पर चीनी ले रही हूँ और उसी कटोरी से एक कटोरी पानी लूँगी। अब इसे अच्छे से मिक्स होने दूँगी जब तक चाशनी पूरा चीनी घुल नहीं जाता। अब यहीं पे मैं दो इलायची डाल रही हूँ फ्लेवर के लिए, थोड़ी सी नींबू, एक चम्मच के लगभग नींबू होगा। इससे ना हमारा चाशनी थोड़ा साफ़ हो जाता है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो अगर आपके पास नहीं है नींबू तो आप विनेगर थोड़ी सी डाल सकते हैं। तो देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे हमें एक तार वाली चाशनी बनानी है, ज़्यादा टाइट नहीं बनानी है। तो देखिए बनकर तैयार है चिपचिपी एक तार वाली चाशनी। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छा मार्केट जैसा लौंग लत्ती का बनाकर तैयार करेंगे और गर्मी के दिनों में अक्सर ये बनाए जाते हैं और बिहार झारखंड में बहुत ही फेमस है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ खोवा बना रही हूँ। तो खोवा के लिए एक चम्मच घी, छोटी गिलास से एक गिलास दूध डालूँगी। अब इन दोनों को अच्छे से मेल्ट होने दूँगी, घी को जब तक मेल्ट नहीं हो जाता तब तक। अब यहीं पे मैं दूध पाउडर का इस्तेमाल करूँगी। तो आप जो भी ब्रांड का रखते होंगे वो ले लीजिएगा और इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालकर इसे मिलाते जाएंगे जब तक इसको गुठलिया ना जम जाता। तो लीजिए मैं सारे को डालकर इसको एकदम अच्छा से मिला देती हूँ। वहीं पे एक चम्मच शक्कर डाल दूँगी स्वाद के लिए, मीठे लगने के लिए। अब देखिए हमारा खोवा बनकर तैयार है। इसे बर्तन में डो तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ ले रही हूँ डेढ़ कटोरी मैदा, आप आटा से भी बना सकते हो पर मैदा से बहुत अच्छा बनता है। तो डेढ़ कटोरी में मैदा ले रही हूँ, इसमें मेल्टेड घी दो बड़ा चम्मच ले रही हूँ। अब इसे हाथ से अच्छे से मैश कर लेंगे जैसे मोयन लगाया जाता है। तो चलिए मोयन लगता है, तब तक आप जाइए फटाफट लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आपने कब बनाया हमें बताइएगा। तो देखिए हमारा मोयन अच्छा लग चुका है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसमें मैं एक अच्छा सा डो बना लेती हूँ मैदे का। फ्रेंड बहुत अच्छा बनता है और गर्मी के सीजन में और झारखंड बिहार में ये बहुत फेमस होता है, आजकल तो हर जगह मिलने लगा है। तो देखिए मैं यहाँ पे ना एक अच्छा सा डो तैयार कर चुकी हूँ। इसे मैं 2 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगी ढककर, ताकि जो मैं डो लगाई हूँ वो रेस्ट हो जाए। तो चलिए 2 मिनट हो चुका था, इसे थोड़ी सी और मसल लेते हैं और इसी का बनाएंगे लौंग लत्ती का, एकदम छोटा छोटा और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए छोटा छोटा डो निकाल लेते हैं, जितना बड़ा छोटा आप बनाना चाहते हैं। तो इसी तरह से हलवाई लोग भी बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी खोवा का, लौंग लत्ती का, और खोवा आप सूजी का भी बना सकते हो। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैं इसे अच्छे से बेल लेती हूँ, जितना बड़ा छोटा आपको बनाना है उसके हिसाब से। अब इसमें थोड़ा थोड़ा खोवा ऊपर से डालूँगी और इसका शेप दे दूँगी। तो एक साइड थोड़ी सी पानी लगाना ज़रूरी है दोस्तों, थोड़ी सी पानी लगाइएगा चिपकने के लिए, अगर नहीं लगाएंगे तो तेल में डालने के बाद ऊपर निकल जाएगा। तो देखिए मैं इसका शेप दे रही हूँ इस तरह से। तो दोनों तरफ से मोड़ लेना है इस तरह, आप देख सकते हो। अब इसे पलट कर ऊपर से मोड़ लेना है हमें, तो इस तरह से पलट लेंगे और ऊपर से बंद कर देंगे और इसमें ऊपर से लौंग लगा देंगे। तो इसका लौंग के कारण ही लौंग लत्ती का नाम पड़ा है। तो ऊपर से लौंग लगा देंगे और इसका स्वाद भी बहुत टेस्टी होता है एकदम। तो इसी तरह से हमें सारे को बना लेना है दोस्तों। आप भी कई बार बनाए होंगे और खाए होंगे और मार्केट से तो अक्सर खाए होंगे, लेकिन एक बार घर में ट्राई कीजिएगा, कम दामों में आपको ज़्यादा मिलेगा और बहुत टेस्टी मिलेगा। तो चलिए दूसरा भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से हमें बेल लेना है और इसमें फिलिंग कर देना है खोवे का, एक तरफ पानी लगा देंगे सील करने के लिए और शेप दे देंगे। बहुत ही टेस्टी लौंग लत्ती का बनने वाली है। हमारे घर में कोई भी फंक्शन हो या त्यौहार हो या यूं ही मीठा खाना हो तो हम लोग अक्सर इसे बनाते हैं और बहुत ही अच्छा बनता है और सभी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिएगा और बहुत टेस्टी बनेगा।
एक बार में भी बिगड़ेगा नहीं, एक बार में बनकर तैयार होगा। तो लीजिए दूसरा भी सेब देकर मैं तैयार कर चुकी हूँ और इसी तरह से मैं सारे को सेब दे दूँगी। तो लीजिए दो ठो बनकर रेडी हो चुका। तो चलिए मैं उधर गरम कर ली थी तेल, एकदम मीडियम आंच पे गरम है, एकदम लो पे गरम है। इसे डालते जाइए और लो आंच पे ही इसको तलिएगा दोस्तों, वरना अंदर से नहीं पकेगा। जैसे हम बालूशाही तलते हैं एकदम लो आंच पे, बस उसी तरह से हमें इसको भी तलना है ताकि ये धीरे धीरे बड़ा साइज हो और धीरे धीरे अपने आप तेल से ऊपर आते जाएगा। एकदम लो फ्लेम में इसे हमें तलना है। थोड़ी टाइम लगेगी, 2 से 3 मिनट, 4 से 5 मिनट लग जाते हैं दोस्तों, तो इतना टाइम लगेगा, लेकिन बहुत ही टेस्टी लौंग लतिका बनकर तैयार होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। आजकल शादी ब्याह के सीजन में बिहार में बहुत चलता है, घर में भी नाश्ते के लिए बनाते हैं और लड़की हो शादी या कोई भी हो तो पाहुर के रूप में भी ये बनता है। हर होटल पे आपको मिलेगा, आजकल तो सभी जगह मिलते हैं। तो इस तरह से बनता है और बनाए जाते हैं बहुत ही टेस्टी। तो देखिए अब से बातें करते करते हमारा लौंग लतिका तैयार हो चुका, अब इसे हम चाशनी में डालेंगे। इससे ज़्यादा कलर नहीं करेंगे, ज़्यादा करेंगे तो अच्छा नहीं दिखेगा क्योंकि मैदा का है, तो थोड़ा सा डार्क ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना ही डालेंगे। बस इसे निकाल कर अब चाशनी में डाल देंगे और चाशनी में कम से कम दोस्तों आधे घंटे के लिए छोड़िएगा, तब अंदर तक एकदम चाशनी परफेक्ट घुस जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो देखिए मैं चाशनी में डालकर इसे आधे घंटे के लिए छोड़ूंगी। तो बहुत ही टेस्टी आज का लौंग लतिका बन रहा है दोस्तों, आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताइएगा। आपके घर में कौन कौन पसंद करते हैं, आप कितना पसंद करते हैं? तो मैं इसे छोड़ रही हूँ आधे घंटे, तो आप देख सकते हो कि इसका चाशनी पूरा अंदर खींच लिया है और एकदम चाशनी कम हो गया है और बहुत ही रसीला जूसी बनकर तैयार हुआ है हमारा लौंग लतिका। अब आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी लौंग लतिका आज का बनकर तैयार है। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। इसी तरह की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगी, हमारे साथ बने रहिएगा, हमारा सपोर्ट कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड।